नमस्कार। कल हमने काव्य दोषों के बारे में चर्चा करी। जहाँ काव्य गुण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं काव्य दोष काव्य की रसास्वादन में बाधक बनते हैं। कल हमने काव्य दोषों में श्रुति कटुत्व काव्य दोष, चयुत संस्कृति काव्य दोष, अप्रयुक्तव काव्य दोष, असमर्थत्व काव्य दोष और ग्रामत्व काव्य दोष के बारे में चर्चा करी थी। अब हम उसके आगे निरंतर रखते हुए काव्य दोषों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला काव्य दोष है निरर्थकत्व काव्य दोष। इस काव्य दोष में जब हम देखते हैं कि छंदों की पंक्तियों में या कोई काव्य की पंक्तियों में कुछ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो जो हमें लगे कि निरर्थक है, उनकी आवश्यकता उसमें नहीं है, दोहराव हो रहा है, तो वो निरर्थक काव्य दोष रहा। ऐसे शब्द केवल उस वाक्य को भरने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, अनावश्यक रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, मैया है तू अथवा मेरी दो नथवाली गैया। मैया है तू अथवा मेरी दो नथन वाली गैया, रोने से यह रीस ही अच्छी, तिली लिली ता धैया। तो इस पद में हम देखते हैं कि तिली लिली ता धैया जैसे जो शब्द हैं वो अनावश्यक रूप में इसमें छंद पूर्ति के लिए या कहें पाद पूर्ति के लिए जानबूझ के प्रयोजन से इसमें भरे गए हैं। अन्य उदाहरण हम देखें, जैसे साजे प्रवीण नट रंग थली यथा ही। अब ही शब्द जो काम में लिया है उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं थी। दूसरा काव्य दोष हम देखें तो अप्रतीतार्थत्व दोष। अप्रतीत अर्थ यानी काव्य रचना में जो शास्त्र विशेष के जो पारिभाषिक शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाए और वो प्रयोग हमें अप्रतीत लगे, उसका अर्थ जो है वो अप्रतीत लगे, वो इस दोष के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, हम परथच में प्रमाण अनुमान नहीं, तुम भ्रम भौर में भले ही बहिबो करो। तो इस पद में हम देखते हैं कि जो शब्दकोश पारिभाषिक शब्दकोश के अंतर्गत इस जो शब्द काम में लिया गया है, भ्रम भौर अनुमान नहीं प्रमाण, ये लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्द नहीं होने से या इसके अर्थ में बाधकता होने से, पूर्ण रूप में इसकी अर्थ प्रतीति नहीं होने से ये दोष रहा। जैसे तत्व प्रकाश सौ दाले ताशय जो आही, विधि निषेध में कर्म सब बाधक होई न ताही। तो इस पंक्ति में हम देखें दलिताशय शब्द में जो आशय शब्द का अर्थ मिथ्या ज्ञान या वासना है, जबकि हमारे सामान्य रूप में हम जब आशय का तात्पर्य लेते हैं तो तात्पर्य रूप में आता है, पर शास्त्र विशेष में इस शब्द का प्रयोग यहाँ आशय के रूप में ना होकर मिथ्या ज्ञान या वासना के रूप में हो रहा है। तो ये शब्द, ये जो अप्रतीतार्थ दोष जो है इसीलिए यहाँ ठहरता है। अगला काव्य दोष हम देखते हैं क्लिष्टार्थत्व काव्य दोष। क्लिष्ट अर्थ जहाँ हमें अर्थबोध में कठिनाई हो वहाँ ये दोष रहता है, यानी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो काव्य की अर्थ प्रतीति में उसके रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करता हो, या हम कहें कि जैसे प्रसाद गुण है इसमें सहज रूप में हमें उस अर्थ का भान हो जाता है, तो इस दोष में उसका अभाव हो गया है और ये दोष जो क्लिष्ट अर्थ में रहा हम उसे
काव्य का जो मूल भाव है आस्वादन आनंद वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें हे हर हार आहार सूत मैं विनवत हूँ तोय वैरिन के पति सूतन से शीघ्र मिला दे मोय। तो इस पद में हम देखें कि इसमें अर्थ जो निकल रहा है वो सामान्य रूप में अर्थ निकल रहा है हे वीर हनुमान तुम हमें राम लक्ष्मण से शीघ्र ही मिला दो। पर इसके अंदर जो पौराणिक ज्ञान के आधार पर जो प्रतीक लिए गए हैं उस आधार पर इसमें क्लिष्टता आ गई है कि सामान्य रूप में जब हम देखें कि पहली पंक्ति का जो अर्थ है वो हनुमान है जिस तक पहुंचने के सोपान उन्होंने इस तरह बताए हैं कि हर अर्थात हर का तात्पर्य हुआ शिव और उनका हार शिव का हार है सर्प और सर्प का आहार अर्थात पवन और पवन के पुत्र अर्थात हनुमान। तो हनुमान तक पहुंचने के लिए ये जो सोपान बनाए गए हैं वो सामान्य रूप में हम उसको नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में हम देखें वैरिन जो शब्द है वो कैकेयी के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसने राम को वनवास दिलवाकर वैरिन का ही काम किया था। तो उसके पति अर्थात दशरथ और दशरथ के सुत पुत्र कौन हुए राम और लक्ष्मण। तो इस तरह घुमाकर उन्होंने इसको कहें कि जो उलटबाजी या दृष्टिकूटों के माध्यम से जो प्रयोग लिए जाते हैं वो इस काव्य दोष के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला काव्य दोष पर बात करते हैं। अगले काव्य दोष में है अगला काव्य दोष है न्यून पदत्व काव्य दोष, यानी जहाँ वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद और शब्द जोड़ने पड़े वहाँ यह दोष होता है। पदों के प्रयोग में कमी रहने के कारण ही इसे न्यून पदत्व काव्य दोष कहते हैं, यानी जो शब्द जो अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए वो न्यून पद के आधार पर उसमें पूर्णता नहीं हो पाए। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं बंशी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोहती है, अथवा दूसरा उदाहरण कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। तो यहाँ कृपा दृष्टि के पूर्व आपकी और जहाँ अपन ने लिखा है बंशी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोहती है तो साथ में के पूर्व आपके पदों की न्यूनता है। तो ये जो आपका जो शब्द अगर इसमें लग जाए तो ये पूर्णता इसमें हो जाती है। तो ये अब हमारा न्यून पदत्व काव्य दोष रहा। दूसरा काव्य दोष है अधिक पदत्व काव्य दोष, जहाँ न्यून में कम आपने काम में लिए शब्दों के वहाँ अधिक पदत्व में हमने अनावश्यक शब्दों का या कहें अधिक शब्दों का प्रयोग काम में लिया या उनके प्रयोग से अधिकता के प्रयोग से वो बोझिलता या काव्य आस्वादन में उसमें बाधक हुई है। उदाहरण के रूप में हम देखें लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद। तो इस पद में हम देखें कि पराग शब्द ही पुष्पों की रज का अर्थ व्यक्त करता है जबकि यहाँ लिखा है पुष्प पराग रज तो रज पुनः प्रयुक्त हुआ है अतः उसके साथ पुहुप या रज का प्रयोग व्यर्थ है जिसके कारण यहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष रहा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम तरल गरल की लघु लहरी। तो यहाँ इस पंक्ति में जो गरल है विष शब्द स्वतः ही तरलता का अर्थ ध्वनित करता है क्योंकि विष तरल ही है तो उसमें इसके पूर्व तरल विशेषण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ये जोड़ने से इसमें व्यर्थ ही पद वृद्धि हो गई है और वो पद वृद्धि होने से ये अधिकतम जो अधिक पदत्व दोष हो गया है। अगला हम देखते हैं अक्रमत्व काव्य दोष, यानी काव्य रचनाओं में उचित अनुक्रम नहीं रखा जाए तो वहाँ यह काव्य दोष आता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें
जैसे हम जब नक्षिक वर्णन करते हैं नायिका के, नक्षिक वर्णन करते हैं नायक नायिका के, तो उसमें हम देखते हैं कि नख से लेकर, नाखून से लेकर शिक तक क्रमबद्ध रूप में उसकी सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। जब ये क्रमबद्धता बीच में टूट जाए, जैसे नाखून की जगह हम शुरू कर दें कमर से, तो वो क्रमबद्धता टूटने से ये दोष रहा। उदाहरण में हम ये देखते हैं, जैसे विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, तो जो इस पंक्ति में हम देखें के का प्रयोग भीम शब्द के पश्चात द्वितीय पंक्ति के गए और पहुँचे, यानी हम जैसे राम गए फिर वन में, भरत पहुँचे कुछ दिन में, तो इसमें पहुँच गए और पहुँचे क्रियापदों का प्रयोग हुआ है, तो ये अधिक अक्रमबद्धता हो गई है ये, और इसके अंतर्गत ये काव्य दोष ठहरता है। इसी प्रकार दूसरा काव्य दोष होता है दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ लोक अथवा शास्त्र में जो विहित क्रम का सही निर्वाह नहीं किया जाए, अनुक्रम के विपरीत व्यतिक्रम का कथन पदार्थों में किया जाए, वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष रहता है। जैसे उदाहरण में हम देखें नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, तो इस पंक्ति में क्रम का निर्वाह लोक अथवा शास्त्र के क्रम के अनुकूल नहीं हुआ है, क्योंकि लोक व्यवहार के विकल्प के अनुसार पहले यह वस्तु मांगी जाती है जो सर्वश्रेष्ठ है, यदि उसे पाने की संभावना न रहे तो उसे निरंतर श्रेणी की वस्तु की याचना की जाती है जो व्यवहारिक दृष्टि से उचित है। इस प्रकार ये हमने काव्य दोषों की चर्चा की।